वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज अहोय। मेरा नाम है तुषार। आज बात करते हैं कुछ इंडिपेंडेंट इंडियन कॉमिक बुक्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, एन वन ओरिजिन्स इस कॉमिक्स का काफ़ी नाम हुआ है इस साल, और इसकी दो बुक्स आई हैं और अभी तीसरी, तीन बुक्स आ गई हैं। दो पहले आई थी, तीन अभी थोड़े कुछ महीने पहले आई है शायद, और इसका फोर्थ पार्ट भी आने वाला है। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये मैं काफ़ी टाइम से चाहता था पढ़ना और अभी ये फाइनली आ गई है। तो ये तीन बुक्स हैं, एन वन ओरिजिन्स, एन वन ओरिजिन्स टू और एन वन ओरिजिन्स थ्री। उसके बाद बात करेंगे ये सेवी ओरिजिन्स की। ये कोइंसिडेंस है कि ये दोनों ओरिजिन्स ओरिजिन्स नाम से हैं, बट ये बुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट हैं और डिफरेंट पब्लिशर्स की हैं। तो विल टॉक अबाउट बोथ दीज बुक्स एंड देन इसका थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे जो इस साल बाकी की भी बुक्स आई हैं उनके साथ। तो कमिंग टू एन वन एज अ कॉमिक्स, ये डील करती है क्वांटम साइंस, इंडियन माइथोलॉजी, वोर्टेक्स, वॉर्म होल, इन सब कॉन्सेप्ट से। तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइंस फिक्शन के, क्लासिक कॉन्सेप्ट्स लाइक टाइम ट्रैवल, टाइम टनल, ऑल्टरनेट रियलिटीज, टाइम लाइन्स, यू नो, कॉजल थ्योरी, तो जो कॉज एंड इफेक्ट होता है, इवेंट्स इन फ्यूचर और पास्ट में ऑल्टर द टाइम लाइन्स, एंड देन हाउ बेसिकली सम कैरेक्टर्स फाइट अगेंस्ट दैट। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स साउंडिंग है और जब ये बुक स्टार्ट होती है तो यू गेट वेरी कन्फ्यूज्ड, बट इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो जो इसके सेकेंड पार्ट है, सो वॉट आई फेल्ट वॉज फर्स्ट से लेकर the reading experience became easier as we move further. तो initially बहुत ज़्यादा confusion हुआ था first part में, पर जैसे जैसे मैं पढ़ता गया and what I did was मैं इसको revisit किया तीनों parts को and then many things made sense. Especially third part में जो इसके शुरू में एक story को explain करा गया है, it's explained just like a science class. तो that was quite nice because it actually requires that. तो कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने बात बता दिया है। इसमें एक जो मुझे अच्छा लगा वो लगा कि साइंस के कॉन्सेप्ट्स को लेके इंडियन माइथोलॉजी को इसके साथ ब्लेंड करा गया है। तो जैसे आपको काफ़ी नाम दिखेंगे माइथोलॉजी से रिलेटेड, लाइक एम काली, यम आत्म, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर है क्या योगिक एन वन। तो मेन कॉन्सेप्ट है कि प्राइमोरिडियल टाइम में फाइव टाइप के फाइव एनर्जीज या एंटिटीज होती थी और उनकी एक सिक्स्थ एंटिटी होती थी जिससे उनका एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। और पैरेलल स्टोरी में चलती है एक स्टोरी मेजर वायु की, जो एक स्क्वाड्रन लीडर हैं, एक एस्ट्रोनॉट हैं हु गोज़ फॉर अ स्पेस ट्रैवल। तो ये कैसे दोनों स्टोरीज़ को दर्शाती है ये बुक, इसकी स्टोरी है। और ये इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि ये मूल आत्म है, फिर ये जैसे थ्री आईज़ होता है वो इसमें समझाया गया है, यत, वेदा और गिरित, कैसे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन गो हैंड इन हैंड, और जो अर्थ की एंटिटी है उसको बताया गया है भूलोका, और जो हमारा कैरेक्टर है एन वन का वो कॉन्स्टेंटली इस एनर्जी से अपने एक कॉन्फ्लिक्ट सी चलती है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टाइप की, बिकॉज जैसा कि सुपर हीरोज़ बुक्स में होता है, यू डोंट गेट द कंप्लीट कैरेक्टर जस्ट इन यू नो एक बार में ही। तो इसमें भी वही होता है, दैट कॉन्फ्लिक्ट इज़ ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड हेयर। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि टाइम टनल से ये जो फाइव एंटिटीज़ हैं ये डिराइव करती हैं। इसमें कुछ प्रीफिक्स वाले कैरेक्टर्स होते हैं वॉरियर्स, जैसे एम काली, तो एम काली का मतलब मदर काली। एक वेदा का इसमें कॉन्सेप्ट है, यत और वेदा का, और जैसे कॉस्मिक हाईवे से एक कनेक्शन बनता है, और जैसे ये फाइव एनर्जीज हैं तो सबका एक अलग अलग तरह का बॉन्ड होता है विद द मूल आत्मा और द प्राइमोर्डियल एनर्जी। तो जैसे एन इग्स, एन रॉन, एन ऑसन, एन यूनोन, एन मोन और एन वन। तो एन वन एक मिस्टिकल टाइप की एंटिटी दिखाई गई है जिसमें इन्फिनिट पावर हो सकती है। नॉट एवरीथिंग गेट्स रिजॉल्व और कंक्लूडेड इन बुक्स में, पर काफ़ी मज़ेदार इसकी जो स्टोरी, आर्ट, एवरीथिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक विलेन और एक ईविल एंटिटी का भी इसमें फाइट दिखाई गई है, एंड कैसे एवरीवन इज़ ट्राइंग टू ट्रैवल टू दैट टाइम टू बेसिकली फाइट एंड यू नो सेव दीज एनर्जीज।
और जैसे आप देख सकते हैं ये वायु और ये जो ये मूल आत्मा का है जो कॉन्फ्लिक्ट और ये सीन्स आपको देखने को मिलेंगे योगी और वायु के बीच में, और काफ़ी काफ़ी इंट्रीगिंग है ये वाली जो सीक्वेंसेस हैं। थर्ड पार्ट इज़ पॉसिबली द बेस्ट पार्ट सो फार। इट आंसर्स मैनी क्वेश्चन, गिव्स यू मैनी इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेज। जैसा आप देख सकते हैं आर्ट इज़ टॉप नॉच, और इसमें जो ये सिक्स एंटिटी होती है वो भी दिखाई गई है। मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, पर मेनली और जो ऑथर है वरुण मल्होत्रा, ही हैज़ ट्राई टू गिव यू फ्यू थिंग्स लाइक सम कॉन्सेप्ट। तो इसमें टाइम टनल का दिखाया गया है कि हाउ टाइम टनल इज़ ऑल्सो अ वॉर्म होल। तो वॉट ही हैज़ डन इज़ रीइंटरप्रेटेड दीज क्लासिक साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट ब्लेंडिंग विद इंडियन मैथोलॉजी लाइक अ सेट। तो एक महार तलाश होता है जो एक प्लेन एग्जिस्टेंस होता है जहाँ से प्राइमोर्डियल सिस्टम ऑफ फाइव को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि इनिशिएशन प्रोसेस, तो जैसा मैंने बोला क्वांटम साइंस प्लेज अ बिग रोल इन दिस बुक, तो दिस इज़ मेनली शोइंग द क्वांटम कपलिंग ऑफ सोल्स। तो जो इसका मूल आत्मा होता है वो प्राइमोर्डियल सिस्टम ऑफ सोल्स होता है। तो दीज सोल्स जॉइन द वॉरियर्स सोल विद यम आत्मा, तो इससे जो पावर होती है दे गेट एक्सेस टू दैट पावर। देन देर आर सम वेपन शोन ऑफ एंड फाइव लाइक शाफ्ट ऑफ पावर मिस्टिकल स्टोन्स, तो आई थिंक इनका हमें यूज़ बाकी पार्ट में काफ़ी देखने को मिलेगा। इसमें वरुण जी टॉक्स अबाउट हिज ओन जर्नी ऑफ दिस बुक एंड हाउ एम्बिशियस इज़ देयर विजन। इसमें कुछ और ये फ्यूचर फोर्थ पार्ट का टीज़र है। सो दिस इज़ अबाउट एंड वन, आई वुड से इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द इंडिपेंडेंट इंडियन कॉमिक सीन दैट हैज़ कम। आई जस्ट शो यू सम अदर बुक्स दैट हैव कम, इफ़ यू कैन सी इसके साइज़ का कंपेरिजन। तो ये एन वन का कंपेरिजन है गोस्ट प्लानट के साथ। आई विल नॉट रियली कंपेयर गुड अ बैड और यू नो स्टोरी वाइज, बट ये भी एक साइंस फिक्शन में थी, काफ़ी सिंपलिस्टिक स्टोरी थी गोस्ट प्लानट की। इसमें थोड़ा हॉरर एलिमेंट ज़्यादा थे। और फिर आपने देखी प्रोफेसर अश्वत्थामा, जो आई थिंक प्रॉब्ली द मोस्ट अक्लेम्ड बुक इस ईयर की इंडिपेंडेंट सीन में, चीज़ बर्गर से साहिल एस शर्मा जी की। तो दिस बुक वॉज लाइक इट्स मोर इन द कूल कॉमेडी कैटेगरी। तो इसमें फैंटेसी और काफ़ी मज़ेदार आपको एलिमेंट्स देखने को मिले। इसमें भी माइथोलॉजी को ही यूज़ करा गया है, पर फैंटेसी का काफ़ी है इसमें। और फिर ये दिव्य कवच आई थी, ये थोड़ी पुरानी टाइप की बुक लगती है, रावणन के ज़माने की, बिकॉज़ इसमें उसी टाइम का राइटिंग और आर्ट है। तो दिस फील्स अ बिट डेटेड, बट इसके नेक्स्ट पार्ट में ये देखना पड़ेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट होता है फर्स्ट पार्ट के ऊपर। और फिर ये कुछ क्लासिक बुक्स हैं रामायण की जो मैं अभी पढ़ रहा था, तो आप एक साइज़ कंपैरिजन देख सकते हैं। फिर ये चित्रगाथा की बुक आई थी WW3। मैंने ये इसलिए ज़रूरी समझा बिकॉज चित्रगाथा में भी कुछ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स लेके सुपर हीरो में ब्लेंड करा गया है, विच वॉज क्वाइट नाइस बिकॉज यू वॉक अवे विद गुड टेक अवेज। एक विजडम टाइप का मिलता है आपको ये बुक्स पढ़ने में। तो ये WW3 ने फिलोसॉफी को जिस तरह से टैकल किया था एन वन, उसी तरह क्वांटम साइंस को टैकल करती है। एंड माय पर्सनल फेवरेट वुड ऑब्वियसली बी मोर इन द साइंस रिलम, तो साइंस स्पेस ओपेरा जो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं दीज रियली इंट्रीग मी अ लॉट, दैट्स व्हाई आई लव एन वन। तो माय डेफिनेट रिकमेंडेशन फॉर एन वन ओरिजिन्स, आई एम रियली एक्साइटेड। इसको मैं दो बार ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ और भी इसको रिविजिट करूँगा एंड ईगली लुकिंग फॉरवर्ड टू एन वन पार्ट फोर। एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट टू यू। इसको आप ये दीज बुक्स ऑल कम इन इंग्लिश, पर अगर आप कुछ चैलेंजिंग पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा आर्ट देखना चाहते हैं, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड। फर्स्ट पार्ट जो था उसकी जो टीम है कम्प्लीट आर्ट टीम, इट वॉज चेंज इन सेकेंड पार्ट एंड लेटर ऑन पार्ट्स, एंड दैट्स वाई यू कैन सी अ विजिबल डिफरेंस इन द वे द आर्ट फ्लोज एंड ऑन द पेजेस। एंड पर्सनली आई फील दैट
इफ़ इट वॉज अ लिटिल लार्जर साइज ऑफ पेज या आगे कुछ कलेक्टर्स एडिशन आता है तो भी काफ़ी इट विल डू इट जस्टिस बिकॉज आर्ट इज जस्ट ऑसम। छोटे पेजेस में भी ये अच्छी रहती है पर बड़े पेजेस में और एक रीप्रिंट में और निखर के बाहर आएगी। तो दिस इज़ अबाउट एन वन ओरिजिन्स, अगेन एन एक्सेलेंट बुक। इंडियन कॉमिक्स इज जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल एंड दैट्स अबाउट दिस रिकमेंडेशन फ्रॉम मी। इफ़ यू हैव रेड एन वन, अपने थॉट शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कॉमिक बुक लवर्स एंड फैंस एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वॉच आउट फॉर मोर कंटेंट ऑन पैनल डेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।